चार राज्यों में जबरदस्त जीत हुई और बीजेपी अब दो हार के फेर में उलझ गई है। पहली यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार और दूसरी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की हार। बीजेपी की उलझन ये है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे हैवीवेट कैंडिडेट्स के हारने के बाद उन्हें कुर्सी दी जाए या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। जीत के बाद बीजेपी में चल रहे मंथन में मंत्रिमंडल तय करने के साथ इन दो सवालों का भी जवाब तलाशा जा रहा है और बड़ी चुनौती है। ऐसे में कई दावेदार अब सामने आ रहे हैं, यूपी हो के उत्तराखंड। इस पेज का पूरा विश्लेषण हमने आपके लिए तैयार किया है इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस बंपर जीत के बावजूद एक हार ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यह हार है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। यूपी में डिप्टी सीएम की हार से पेच फंसा है तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की हार ने पार्टी को फंसा दिया है। चार राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बावजूद इन दो चेहरों की हार ने पार्टी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे लेकर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं क्योंकि ये फैसला इतना आसान नहीं है। भाजपा चार राज्यों में सरकार गठन को लेकर लगातार मंथन कर रही है, लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और उत्तराखंड के सीएम पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये दोनों लोग चुनाव हार गए हैं। हालांकि भाजपा सूत्रों के जानकारी के मुताबिक भाजपा उन नेताओं को भी मंत्री बनाने के हक में है जो चुनाव हार गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनके इस फैसले से केशव प्रसाद मौर्य और पुष्कर सिंह धामी का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप इसी पर लगातार मंथन कर रही है। चारों राज्यों में सरकार के गठन को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने पीएम आवास पर चर्चा की। इसके बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर में यूपी सरकार को लेकर मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल उप मुख्यमंत्री को लेकर है क्योंकि चुनाव हार चुके केशव प्रसाद मौर्य पर सस्पेंस बरकरार है, जिससे स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम की रेस में आ गए हैं। इस बीच बेबी रानी मौर्य के डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा तेज हो गई है। नहीं, अभी तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगी मैं, मेरे पास कोई सूचना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता। दरअसल बेबी रानी मौर्य के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा उनके कद और यूपी के जातीय समीकरणों की वजह से हो रही है। वो उत्तराखंड के राज्यपाल की कुर्सी छोड़कर चुनाव लड़ी है और वो जाटव समुदाय से आती है। इस बार चुनाव में बीजेपी को 21% जाटव वोट मिले हैं जबकि मायावती के वोट बैंक में 10% की गिरावट हुई है। मायावती से टूट रहे वोट बैंक पर अब अखिलेश की भी नजर है। बीजेपी जाटव वोट बैंक को साधने के लिए और मायावती के विकल्प के तौर पर बेबी रानी मौर्य का इस्तेमाल कर सकती है और बेबी रानी मौर्य भी उम्मीद लगाए बैठी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और 94 से लेकर अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। कितनी भी पदों पर रही हूँ, कहीं भी रही हूँ, चाहे मैं उत्तराखंड में रही, मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी मुझे घर नहीं बिठाया। लगातार कोई ना कोई मुझे पद दे के सम्मानित करती रही। बीजेपी का एक धड़ा केशव प्रसाद मौर्य की जगह स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाने का पक्षधर है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह भी ओबीसी समाज से आते हैं और मौर्य के बाद यूपी में दूसरी सबसे बड़ी गैर यादव ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम की रेस में है। यूपी में जिस तरह डिप्टी सीएम का सस्पेंस बना हुआ है, ठीक वैसा ही सस्पेंस उत्तराखंड में सीएम को लेकर भी है। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने से कई दावेदार सामने आ गए हैं और उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अब अपना नाम उछाला है। पार्टी, मेरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत से पहलुओं पर विचार करती है। आप देखिए, मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को अध्यक्ष विधानसभा बनाया जब मैं तीसरी बार का विधायक था और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतना आशीर्वाद मिलता है तो ये तो हाईकमान का अंतर्गत तो निर्णय होगा जिसको हम स्वीकार करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली में अपने लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड का सीएम तय करने के लिए पार्टी में मंथन जारी है। इसी सिलसिले में पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, लेकिन किस नाम पर मुहर लगेगी इसका फैसला होना अभी बाकी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।